तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये शू स्टैंड और करने वाले हैं इसको असेंबल और देखेंगे कि इसमें कितनी स्पेस है और कितने पेयर ऑफ शूज इसमें आ जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें मिल जाता है कवर जो शू रैक को कवर करेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कवर, काफी ज्यादा रिंकल्स हैं इसमें। और इसके बाद हमें मिल जाते हैं 6 शेल्स। तो ये जो क्लोथिंग आपको दिख रही है ये शेल्फ बनेगा और इसमें 6 पीसेस हैं, 6 शेल्फ हैं। तो एक एक करके आपको दिखा देते हैं। और इसके बाद हमें कुछ रॉड्स मिल जाती हैं और ये जो ब्रैकेट या सॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें ये लग के फ्रेम तैयार होगा। और एंड में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें असेंबली कैसे करनी है, वो भी मैंने बता रखा है वीडियो में, तो एंड में आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने शू रैक को असेंबल कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी रिंकल्स हैं, थोड़ी सी सिलवटें हैं, बट ये ऐसे ही आया था, इसकी पैकेजिंग में ये ऐसे ही था, तो थोड़ी सी सिलवटें इसमें हैं। एंड अब मैं इसका ज़िपर आपको खोल के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें जो 6 शेल्फ हैं उनमें कितना स्पेस है और आप कितने जूते इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी राइट साइड में एक पॉकेट भी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी काम आने वाली है, काफ़ी हैंडी होने वाली है, कुछ छोटा मोटा सामान आप उसमें रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका ज़िपर खोलता हूँ पहले एंड उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें जो शेल्फ है उसमें कितना स्पेस है और कितने शूज़ आ जाएंगे उसमें। तो चलते हैं, चलिए इसको खोलता हूँ मैं। तो ज़िपर को मैं खोलता हूँ यहाँ पे, ये एक ज़िपर खोल दिया है एंड ये दूसरे वाला। तो काफ़ी स्मूथ है ज़िपर एंड अब इसका ये फ्लैप हटा लेते हैं। तो ये है हमारा शू रैक, इसमें आप देख सकते हैं शूज़ के अलावा मैंने और भी सामान रखा हुआ है, जो भी मेरे रूम में एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने इसमें रख दिया है। तो आप देख सकते हैं ये रहे मेरे शूज़ और यहाँ पे कुछ पुराने शूज़ हैं और वो नीचे एक स्लीपर पड़े हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें 6 आपको शेल्फ मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर शेल्फ में आप 3 पेयर ऑफ शूज़ रख सकते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो 18 पेयर्स आप इसमें रख सकते हैं एंड 18 पेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके इसमें सेफ रहेंगे और डर्टी नहीं होंगे। तो दूर से भी आपको दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसा लगता है ये। एंड इसके अलावा इसके साइड में एक पॉकेट है, यहाँ पे आप कुछ भी यूटिलिटी का सामान रख सकते हैं, मैंने कुछ वायर्स और कुछ कागज़ रखे हुए हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। एंड इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको असेंबल कैसे करना है, क्योंकि इसको असेंबल करना थोड़ा ट्रिकी है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाला जो है सबसे पहले आपने उसी को असेंबल करना स्टार्ट करना है। आप तो शू रैक की असेंबली के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला शेल्फ है उसे ज्वाइन करना होगा, और उसे ज्वाइन करने का तरीका ये है, आपको एक ऐसा सॉकेट या ब्रैकेट मिला होगा, जो भी आप इसे कहना चाहे सॉकेट या ब्रैकेट, उसको आपने इसी ओरिएंटेशन में रखना है। और जो सबसे बड़ी वाली रॉड है वो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस में, यानी कि इस तरफ ऐसे जाएगी, जो सबसे लंबी रॉड है वो ऐसे जाएगी, और इससे जो छोटी वाली रॉड है वो जाएगी जी एक्सिस में, यहाँ पर अंदर की तरफ, इससे छोटी रॉड जो है, और जो सबसे छोटी रॉड है वो जाएगी वाई एक्सिस में, यानी कि सीधी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल इस तरफ, और इससे छोटी जो है वो इस तरफ, और जो सबसे छोटी है वो जाएगी ऊपर की तरफ। और ऐसे ही आपको पूरा फ्रेम इसका बनाना है, देख सकते हैं आप ऐसे ही पूरा फ्रेम बना रखा है। एंड आपका एंड में शू रैक जो है वो रेडी हो जाएगा एंड उसके बाद सिंपली आपको ये जो कवर है इसको इसके ऊपर डालना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना। एक बार फिर बता देता हूँ, सबसे लंबी रॉड इस तरफ जाएगी ऐसे,
एंड जो इससे छोटी रॉड है वो ऐसे जाएगी, और जो सबसे छोटी रॉड है वो ऐसे जाएगी। और अगर आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो जो सबसे बड़ी रॉड है वो एक्स एक्सिस में, इससे छोटी रॉड जो है वो जी एक्सिस में, और जो सबसे छोटी रॉड है वो वाई एक्सिस में। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, और ऐसे ही आपको पूरा फ्रेम तैयार करना है, और एंड में ये जो कवर है उस फ्रेम के ऊपर चढ़ा देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप ये रैक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़े हुए हैं, वहाँ जाके खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, पीस।